हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर एक्सटेंशन और ई एक्सटेंशन के बारे में। साइबर एक्सटेंशन या ई एक्सटेंशन जो होता है उसे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से साइबर एक्सटेंशन और ई एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह से आईटी या आईसीटी बेस्ड एक्सटेंशन सर्विस या एक्सटेंशन सिस्टम होता है। गाइज, साइबर होता क्या चाहिए? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द वर्ड साइबर मीन्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड वर्चुअल रियलिटी, द साइबर स्पेस। द वर्ड हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम साइबरनेटिक्स। जो साइबर साइबर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी का आपस में समन्वय, आपस में संयोजन जो होता है उसी को साइबर कहा जाता है। और साइबर स्पेस की अगर बात करें तो साइबर स्पेस इज़ द इमेजिनरी और वर्चुअल स्पेस ऑफ कंप्यूटर। ये जो है साइबर स्पेस एक तरह से इमेजिनरी स्पेस होता है। ये कोई जगह या कोई स्पेस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी स्पेस होता है कंप्यूटर का, जिससे कि आपस में नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में जुड़ा जा सके। द साइबर स्पेस इज़ द इमेजिनरी और वर्चुअल स्पेस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड वाइड जो है एक दूसरे से जुड़ने का, इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर बेस्ड इमेजिनरी वर्चुअल स्पेस होता है। दिस कंप्यूटर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन फाइल्स। साइबर स्पेस एक ऐसा वर्चुअल स्पेस होता है जहां हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन फाइल के रूप में हम अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दूसरों के साथ हम अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स ऑन नेटवर्क प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इंटरैक्टिवली एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कनेक्टेड सर्विसेज। द साइबर स्पेस दस कैन डिफाइंड एज द इमेजिनरी स्पेस बिहाइंड द इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, द वर्चुअल वर्ल्ड। जो साइबर स्पेस है एक इमेजिनरी स्पेस है जिसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ अपना इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। एक्सटेंशन, अब इसी में हम साइबर के साथ में अगर एक्सटेंशन जोड़ दें तो साइबर एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है? एक्सटेंशन स्टैंड फॉर द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एक्सटेंडिंग समथिंग। इट कुड बी एक्सटेंशन ऑफ एरिया, टाइम और स्पेस। ई एक्सटेंशन एंड साइबर एक्सटेंशन आर मोर और लेस सिनोनिमस एंड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। साइबर एक्सटेंशन एंड ई एक्सटेंशन आर एक्सटेंशन अप्रोचेस वेयर ICTs इज द टूल्स बाय विच वेरियस सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द क्लाइंटल फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई एक्सटेंशन और साइबर एक्सटेंशन। हम इसमें ICT जो ई एक्सटेंशन या साइबर एक्सटेंशन जो होता है उसका टूल्स के रूप में हम ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा, साइबर एक्सटेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस। हम अपना जानकारी जो एक्सटेंशन के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, हम एक्सटेंशन सर्विस को जब साइबर स्पेस के माध्यम से, जब हम एक्सटेंशन सर्विस को साइबर स्पेस के माध्यम से अपनाते हैं तो उसको ही साइबर एक्सटेंशन कहा जाता है। साइबर एक्सटेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के माध्यम से एक्सटेंशन, दैट इज साइबर एक्सटेंशन। साइबर एक्सटेंशन मीन्स यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टू फेसिलिटेट डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर कम्युनिकेशन
मल्टीमीडिया, इंटरनेट नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क की सहायता से एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना, उसको डिसेमिनेट करना, उसको ही साइबर एक्सटेंशन कहा जाता है। साइबर एक्सटेंशन इंक्लूड्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंटरनेट एक्सपर्ट सिस्टम, मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन एक्सेस टू द फार्मर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स, रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन मैनेजर्स। आज के डेट में, आज के आधुनिक युग में साइबर एक्सटेंशन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हमें किसी भी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता होती है, हम तुरंत इंटरनेट पर सर्च करते हैं, हमें इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हमें तुरंत पता चल जाता है। ये एक तरह से साइबर एक्सटेंशन ही है। साइबर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज एन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म ओवर साइबर स्पेस विच इज़ अ इमेजिनरी वर्चुअल स्पेस, इमेजिनरी स्पेस बिहाइंड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू टेली कम्युनिकेशन मीन्स इट। इट यूटिलाइजेज द पावर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म। जो एक्सटेंशन साइबर एक्सटेंशन जो होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर मल्टीमीडिया, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के जो पावर होते हैं, इसकी मदद से विभिन्न टेक्नोलॉजी को, विभिन्न तकनीकों को डिसेमिनेट किया जाता है या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। हम बात करते हैं आईटी या आईसीटी की। व्हाट इज़ आईटी और आईसीटी? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन। आईटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इट रिफर्स टू एन एंटायर इंडस्ट्री दैट यूजेस कंप्यूटर्स। आईटी एक छोटे से शब्द में कंप्यूटर के सारे इंडस्ट्री को एक साथ समाहित किया जा सकता है। दैट मीन्स आईटी शब्द से ही कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री को हम आईटी शब्द से हम परिभाषित कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द से परिभाषित कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड अदर इक्विपमेंट्स टू मैनेज इंफॉर्मेशन। जनरली आईटी डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिट्राइविंग एंड प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी कैन बी सीन एज एन इंटीग्रेशन ऑफ आईटी विद मीडिएशन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन एंड टेलीफोनी। देयरफॉर आईसीटी कैन बी सीन एज एन एक्सटेंडेड एक्रोनिम फॉर आईटी आर दोज टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज टू इंटरलिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज टेलीफोन्स एंड देयर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। द पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स, ईमेल एंड इंटरनेट प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जाम्पल। ये जो है आईसीटी के एग्जाम्पल्स हैं, पीसी, टैबलेट्स, लैपटॉप, ईमेल, इंटरनेट, ये सारे आईसीटी के कॉमन एग्जाम्पल हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू साइबर एक्सटेंशन। साइबर एक्सटेंशन के माध्यम से किस प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं या फिर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर इंफॉर्मेशन। एक सिंपल से एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर में हम वेदर का, मौसम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। जैसे एक एज़ फॉर एग्जाम्पल, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ तूफान का तूफान के आने के संकेत हैं। कुछ जैसे एक अभी करंट में ही जो साइक्लोन है, यास नाम का चक्रवाती तूफान, यास नाम का चक्रवाती तूफान आने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने जानकारी दिया है। ये जानकारी प्राप्त कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त हुआ।
और वो जानकारी हम डेली बेसिस पे हमें प्राप्त होते रहता है। डेली इंफॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, डे लेंथ, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का जो जानकारी है हमको कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से डेली प्राप्त होते रहता है। देन नेक्स्ट इज अलर्ट, इन्फॉर्मेशन अकॉर्ड रिगार्डिंग टाइप ऑफ डिजास्टर, सडन चेंज इन वेदर, आउटब्रेक ऑफ डिसीज एंड इंसेक्ट, ऑल्सो गिवन बाय साइबर एक्सटेंशन। देन इंश्योरेंस डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस ऑफ फार्मर, हिज क्रॉप, एनिमल, एग्रीकल्चर एसेट्स लाइक ट्रैक्टर, एम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एटसेट्रा आर गिवन, ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड थ्रू साइबर एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन इंटरनेट। रूरल फाइनेंस का इंफॉर्मेशन भी हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। एजुकेशन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग शिक्षा के बारे में हम ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल साइंस द डिटेल रिगार्डिंग टू द लोकल एनिमल एंड वेल नोन डिसीज, बेटर ब्रीड्स, बैलेंस्ड फीड, शेड मैनेजमेंट, हेल्थ एट्सेट्रा के बारे में हम हर प्रकार की जानकारी साइबर एक्सटेंशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हर प्रकार की जानकारी हम साझा भी कर सकते हैं। साइबर एक्सटेंशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, हम उसके एडवांटेज के बारे में बात कर लें तो इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड क्विकली टू द फार्मर, क्योंकि हमें इसमें किसी फार्मर के पास फेस टू फेस मिलने की, उसके साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती, उसके सामने जाने की आवश्यकता नहीं होती, हम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो साइबर एक्सटेंशन के माध्यम से क्विकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। देन राउंड द क्लॉक सर्विस टू फार्मर एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी प्लेस ऑन द अर्थ, हम इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्पफुल इन इन्हेंसिंग द कम्युनिकेशन एफिशियंसी, प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ मैसेज एंड एक्सपर्ट्स कैन बी कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली, चूँकि हम एक्सपर्ट से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, साइबर एक्सटेंशन के माध्यम से हम किसी भी एक्सपर्ट से हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन, इसमें पर यूनिट कॉस्ट भी कम होता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जैसे लैक ऑफ रिलायबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, आज के डेट में भी रूरल एरियाज, बहुत सारे रूरल एरियाज में टेली कम्युनिकेशन सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, वहाँ टेलीफोन सर्विस या इंटरनेट सर्विस बहुत ही पुअर क्वालिटी के वहाँ अवेलेबल होते हैं। देन इराटिक और नो पावर सप्लाई, बहुत से ऐसे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पावर सप्लाई भी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं के बराबर है। लैक ऑफ आईसीटी ट्रेंड मैन पावर इन रूरल एरियाज, क्योंकि आईसीटी या साइबर, जो साइबर एक्सटेंशन सर्विस होता है, ये पूरी तरह से आईटी या आईसीटी बेस्ड होता है। सो इसके लिए आईटी या आईसीटी बेस्ड ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होती है, जिसके रूरल एरिया में जिसकी कमी है। लैक ऑफ कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मेनली इंटरनेट पर हमें अगर कोई सर्विस, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं तो लोकल लैंग्वेज में ना होके यूनिवर्सल लैंग्वेज में होते हैं, जस्ट लाइक या तो इंग्लिश में, हिंदी में या अदर यूनिवर्सल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं, बट लोकल लैंग्वेज में उसको समझ पाना, लोकल जो ग्रामीण लोग होते हैं, रूरल एरिया के पीपल होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, वो इस तरह के ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, उन्हें लोकल लैंग्वेज में समझ पाना मुश्किल होता है। लो परचेसिंग पावर ऑफ रूरल पीपल, लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच एंड इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये सारे के सारे साइबर एक्सटेंशन के लिमिटेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एक्सटेंशन एजुकेशन, आईसीटी का एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। देयर आर वेरियस आईसीटी टूल्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशन फॉर जनरल पर्पस यूज्ड टू मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। द
The general purpose application can be used to simplify the day-to-day operation in the organization. The following range of ICT tools is available for the general purpose use. For example, word processing application used for preparing text documents. ICT word processing application softwares जो होते हैं वो टेक्स्ट प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़र, ईमेल एट्सेट्रा, इसके यूज़ किए जाते हैं. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस. इसमें आगे जो है टूल्स ऑफ आईसीटी के टूल्स कौन कौन से हैं. तो आईसीटी के टूल्स में आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग. फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक रिपोर्ट, रिज्यूम, अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने के या उसको मैनिपुलेट करने के काम आते हैं. जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इसके माध्यम से किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जा सकता है, सेव किया, एडिट किया जा सकता है या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाए भी जा सकते हैं. कॉमनली हम घर में यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वर्ड लिब्रा ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. इसके माध्यम से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल, बोल्डिंग, अंडरलाइन एट्सेट्रा हम कर सकते हैं. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर सच एज इलस्ट्रेशंस और फोटोग्राफ्स, करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स एट्सेट्रा, इसके मेन फंक्शंस हैं. देन नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न जगहों पे अधिक से अधिक लोगों के सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को. इसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक सिंपल से एग्जांपल है जिसका हम यूज़ करते हैं, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ यूजर्स टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज बाय स्ट्रिंगिंग टुगेदर टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो वीडियो. जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से जो प्रेजेंटर होता है, जो प्रेजेंट करने वाला होता है, वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, हर प्रकार की चीज़ों को एक साथ समन्वित करके प्रेजेंट कर सकता है. द प्रेजेंटेशन टेल्स अ स्टोरी और सपोर्ट्स स्पीचेस और द प्रेजेंटेशन ऑफ ए इन्फॉर्मेशन. देन नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट दैट इज ईजी टू यूज एंड अलाउज यू टू स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड विजुअलाइज डाटा. इट ऑल्सो सपोर्ट्स डाटा बेसिस, ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन फीचर. इट इज़ अ पावरफुल रिसर्च टूल दैट नीड्स मिनिमम टू ऑफ टीचिंग. It not only works statistics enjoyable, it also brings life to numerical works. जो स्प्रेडशीट है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है MS Excel, Microsoft Excel, जिसका हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Then next is database. Database are the collection of records, each record describing an entity such as book, जर्नल, आर्टिकल और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म. दे कैन बी अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ मीडिया सच एज मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपीज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सीडी रोम्स एंड वीडियो डिस्क एट्सेट्रा. ये सारे के सारे डाटाबेस के एग्जांपल हैं जिसमें से सीडी रोम एक है. सीडी रोम आर द स्पेशल लेजर बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया. सीडी रोम जो है एक स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें हम किसी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इन सीडी रोम द डाटा इज ग्रेटली कंप्रेस्ड और कॉम्पैक्टेड एंड दैट इट कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटन. यू कैन रिट्राइव द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इट बट कैन नॉट एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन. इट इज़ रियली अ बून फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर एसेस टू वन लाइन सर्विस इज वेरी मच लिमिटेड. देन नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव कंप्यूटर वीडियो टेक्नोलॉजी.
one of the most popular multimedia technology that has been used in ICVT. It links a computer to audio video reply in such a way as to provide the training with individualized, truly interactive interactions. ICVT का एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल लाइव स्ट्रीमिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसको एक तरह से हम ICVT का एग्जांपल मान सकते हैं, या हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो ICVT का एग्जांपल है, जिसमें ऑडियो वीडियो विद रिप्लाई हम कर सकते हैं। ICT टूल्स के कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि साइबर एक्सटेंशन के लिमिटेशंस और उसके एडवांटेजेस हैं, लगभग सेम ICT टूल्स के भी एडवांटेजेस हैं। थ्रू ICT इमेज कैन इजली बी यूज्ड इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स। थ्रू ICT टीचर्स कैन इजली एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन। हम ICT के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से किसी को भी, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी आसानी से हम समझा सकते हैं। थ्रू ICT टीचर्स आर एबल टू क्रिएट इंटरैक्टिव क्लासेस एंड मेक द लेसन मोर एन्जॉयबल। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती है जिसमें हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ द ICT टूल्स, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, हार्ड फॉर टीचर टू यूज़ विथ लेस एक्सपीरियंस यूजिंग ICT टूल्स। ICT टूल्स का यूज़ करना किसी टीचर के लिए हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, क्योंकि उसका अगर एक्सपीरियंस ना हो तो उसके लिए कठिन हो सकता है। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।